तो मैंने मेल देखा और उस पर लिखा था कि योर वीजा इज रिफ्यूज्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज माय सेकंड व्लॉग एंड आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हूँ। सो आई हैव बीन प्लानिंग टू गो टू यूके फॉर माय हायर स्टडीज़। मैंने एक एजेंसी को हायर किया था टू मेक द प्रोसेस स्मूदर कि एप्लीकेशन में कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे चूज़ करनी है एंड वीज़ा में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर वीज़ा का प्रोसेस ईजियर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये सब कुछ इन एजेंसीज़ को बेटर पता होता है क्योंकि एक दिन में 2-3 हज़ार लोगों को डील करते हैं ये लोग। सो मैंने इस एजेंसी को हायर किया, लास्ट ईयर किया था एंड दे गेव मी ऑप्शंस कि मेरे को मेरे कोर्स से रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेस्ट है एंड जो मेरे लिए सूटेबल है। सो मैंने वो सब कुछ कर लिया था एंड देन वीज़ा फाइलिंग का टाइम था, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी कि वीज़ा कैसे कैसे फ़ाइल करना है, वीज़ा एप्लीकेशन और पेमेंट लिया था उन्होंने मेरे लिए। सो इन चीज़ों में थोड़ा स्मूदर हो गया था प्रोसेस। तो जब मेरा अपॉइंटमेंट वाला दिन था, आई वेंट टू VFS, मैंने एक ऑप्शन चूज़ किया था प्राइम टाइम पे, तो उसमें मेरा प्रोसेस आधे घंटे में हो गया था, मतलब मेरा सब कुछ इंटरव्यू एंड स्कैनिंग सब कुछ आधे घंटे में हो गया था। सो जब मैं गई थी वहाँ पे तो वो स्कैन कर रहे थे मेरे डॉक्यूमेंट्स कि वो सीधा जो गवर्नमेंट है, यूके गवर्नमेंट है और या जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वो पहुँच जाए। जब वो स्कैन कर रहे थे तब मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे अभी बता दीजिए जिससे मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था नहीं नहीं और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जो चाहिए थे वो मैंने स्कैन कर दिए। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो वो स्कैन कर रहे थे वो मैंने देखे एंड इट वाज फाइन। फिर उसके बाद इंटरव्यू, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था नहीं नहीं और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जो चाहिए थे वो मैंने स्कैन कर दिए। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो वो स्कैन कर रहे थे वो मैंने देखे एंड इट वाज फाइन। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी 2-3 चीज़ें पूछी एंड देन हो गया हाफ एन आवर में मेरा डन वीज़ा अपॉइंटमेंट। सो मैंने उनसे पूछा था कि कितना टाइम लगेगा वीज़ा आने में, तो स्टैंडर्ड वीज़ा था तो 15 डेज उन्होंने मुझे कहा। देन आई वाज लाइक फाइन ठीक है, आई हैड इनफ टाइम, तो मैंने ठीक है 15 डेज स्टैंडर्ड वीज़ा के लिए इट्स फाइन। फिर 2-3 डेज बाद मुझे VFS से एक मैसेज आता है कि आपका TB सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट वो डालना पड़ेगा। जैसे उनकी मेल आई उसकी 5 मिनट्स में मैंने वो डॉक्यूमेंट भेज दिया TB टेस्ट का। देन मैंने वेट किया 15 डेज में तो एग्जैक्टली नहीं आया, बट 2-3 डेज और वेट किया। तो आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने मेल देखा और उस पर लिखा था कि योर वीज़ा इज रिफ्यूज्ड। मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये क्या, मैंने ये चीज़ सोची भी नहीं थी, ये मेरे दिमाग में क्रॉस भी नहीं हुआ कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई और मैंने मम्मा को बोला कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। मम्मा भी बोलते कि क्या सीरियसली। फिर मैंने पापा को बोला कि ऐसे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, और फिर जब मैंने उनकी मेल खोली और मैंने रीज़न देखा तो रीज़न था कि मेरा TB सर्टिफिकेट था जो मैंने प्रोवाइड कर दिया था अपने एंड पे, उन्हें वो रिसीव नहीं हुआ। मैंने बोला क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने टू डबल क्रॉस, मैंने अपने पापा को बोला कि एक बार आप चेक करो वो मेल। उन्होंने चेक की, उन्होंने देखा कि भाई ये तो भेज दिया, ये तो ऑलरेडी सेंड है और जिस ईमेल आईडी पे बोला था वो सेंड थी, उसी दिन सेंड कर दिया था हमने मेल। फिर मैंने एजेंसी को कॉल किया कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, तो उन्होंने भी क्रॉस चेक किए सारी मेल्स, तो देवर ऑल्सो लाइक कि हाँ ये आपकी तरफ से तो सेंड है, आपकी तरफ से तो कोई नेग्लिजेंस नहीं है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, उन लोगों ने चेक नहीं किया वो मेल, उनकी गलती थी, उस पर मैं सफ़र करूँगी अब कि मेरा रिफ्यूज़ हो गया है वीज़ा, अब मुझे फिर से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और मैं आज 1 सितंबर है और मेरी 16 सितंबर को फ्लाइट है, अब मुझे उन्होंने बोला है कि अब मुझे न्यू कैश जनरेट करवाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, जिसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि सेकेंड कैश मिलने में भी बहुत टाइम लग रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मेरा एक ये ड्रीम था कि मुझे हाँ मुझे UK जाना है, मुझे अब्रॉड जाना है, मेरे को वहाँ पे अपनी मास्टर्स करनी है, वो एक मेरा बहुत टाइम से मन था वहाँ पे जाने का, और
ये जो ड्रीम होता है वो दैट इज माई ड्रीम डेस्टिनेशन कि हाँ मैंने हमेशा से एक चीज़ ऐसे होता है ना, एक विश होती है, एक तुम एक ही चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हो कि हाँ यहाँ जाना है। यूँ मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और उस चीज़ पे वो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया ऑन व्हाट ग्राउंड्स। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, VFS वालों की गलती है या आई डोंट नो किसकी गलती है, बट मेरे एंड से कोई गलती नहीं हुई है। एंड वो इतनी लेट बता रहे हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है जिस कि उन क्योंकि उन्होंने मेल नहीं देखी है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए। अब कैश जनरेट करूँ या फिर उनसे डिबेट करूँ, उन्हें बोलूँ कि रिव्यू करो, या तो मेरे फंड्स या तो ये बैंक अकाउंट का दिक्कत होता कि आप मेरे पास अनफ फंड्स नहीं है, फिर उन्होंने बैंक रिलेटेड इशू रेज किया होता तो वो चीज़ एक अलग थी। उन्होंने मेल चेक नहीं करी अपनी टाइमली जो कि मैंने सेंड करी है अपने बिहाफ पे, उन्होंने चेक नहीं करी है। और जब मैंने मेल सेंड करी थी उनका तुरंत मैसेज आया था कि योर एप्लीकेशन हैज़ बिन अटैच्ड विद द एडिशनल डॉक्यूमेंट, कि ये डॉक्यूमेंट अटैच हो चुका है मेरे एप्लीकेशन पे, वो मुझे एक मेल आई हुई है और अब वो मुझे रिफ्यूज़ल का ग्राउंड ये दे रहे हैं कि उन्हें वो रिसीव नहीं हुई है। अब मैं उनको कॉन्टैक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, और अगर रिव्यू करवाओगे अपनी एप्लीकेशन तो उसमें 6 महीने लगेंगे, 6 महीने में मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा और अब मुझे सुपर प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा, मुझे अब 1 लाख और रुपए देने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज उनकी गलती है। और यहाँ पे हम कहीं कुछ रेज ही नहीं कर सकते हैं ये इशू क्योंकि उनको कोई कॉन्टैक्ट करने का तरीका ही नहीं है। मतलब एक उन्हें ये समझ नहीं आता कि एक उनके ही निग्लिजेंस के वजह से एक इंसान के ड्रीम्स शैटर हो सकते हैं, उसका मोरल लूज हो सकता है। अब मैं जितना भी चाहूँगी अपने आप को ठीक करने का कि हाँ नहीं कोई नहीं इट्स ओके हो जाएगा, पर मैं मेरे दिमाग से तो वो चीज़ कभी जाएगी, ये चीज़ जाएगी ही नहीं कि हाँ अब मैं नॉर्मल हो ही नहीं। मतलब थोड़ा टाइम तो लगता ऑब्वियसली ऐसा क्योंकि विश के लिए ऐसा होगा, बट थोड़ा टाइम तो मुझे लगेगा ये नॉर्मल होने में। बट एक इंसान के लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है, और ऐसी अपने आप को हायर अथॉरिटी समझ के कि हाँ हम अपने हिसाब से क्योंकि हमने चेक नहीं किया रिजेक्ट कर देंगे अप्रूव कर देंगे। भाई दूसरे इंसान के इमोशंस होते हैं, दूसरे इंसान को मेंटल हरासमेंट होते हैं इन चीज़ों से। इन लोगों के लिए कुछ नहीं है, इनको नहीं फ़र्क पड़ता है। दैट्स इट गाइस, कोई नहीं, प्रे करते हैं कि हो जाए, कोई रास्ता मिले, हायर कमीशन देखे इन चीज़ों को, या फिर अब मुझे तो नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी रिव्यू करेंगे, बट अब कैश जनरेट हो फटाफट जिससे मैं अब सुपर प्रायोरिटी में डालूं। चलो कोई नहीं, अब मेरे पास 15 डेज रह गए हैं। मैंने एक एक दिन सोचा था कि हाँ आज मैं पैकिंग करूँगी, इस चीज़ की पैकिंग करूँगी, आज मैं शॉपिंग पे जाऊँगी, कल मैं अपने दोस्तों से मिलूँगी, जिससे मैंने सारी चीज़ें 15 डेज की प्लान करी थी। अब वो सब खराब हो गया, मेरा पैकिंग करने का मन नहीं करेगा कि अब मुझे, क्योंकि मैं अटक गई हूँ, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मुझे वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने कोई भी मतलब एक बैकअप ऑप्शन भी नहीं रखा कि हाँ मैं जॉब कर लूँगी ये कर लूँगी, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ पढ़ने, तो मैंने उस तरफ से भी नहीं देखा। चलो गाइस नहीं मेरे को जाना है, मैं जाके रहूँगी, ऐसा नहीं है इतनी जल्दी हार नहीं मानूँगी, बट ठीक है अब 15 डेज रह गए, अब पता नहीं पैकिंग कैसे होगी क्या होगा, मन ही नहीं करता। जब तक एक बार वीज़ा आ जाए तो पैकिंग करने में मज़ा आता है, एंथुजियाज्म होता है, हाँ हाँ ये पैक करना है वो पैक करना। अब मैं पैक क्या किसके लिए करूँगी, मेरे को श्योरिटी ही नहीं है जाने की, इतना लटका दिया इन लोगों ने मुझे, बट नेवर माइंड, ठीक है जो होगा भगवान जो चाहता है वही होगा, एंड लेट्स हैव फेथ कि हाँ कोई ना कोई रास्ता मिले, करूँ मैं, जाऊँ मैं, अपने ड्रीम्स पूरे करूँ। चलो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, मेरे लिए प्रे करना, होप करना कि नेक्स्ट व्लॉग मैं बनाऊँ तो वो एयरपोर्ट पे हो। चलो ओके गाइस, बाय बाय।